अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपसी मोहब्बत का तावीज़। इस अमल को करने से आपकी मोहब्बत आपसे खुद ही राब्ता करेगी और मोहब्बत में बेचैन और बेकरार होगी। इस अमल की ज़कात भी बहुत आसान है। इस अमल को आज तक आपको किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं बताया होगा। ये अमल बेशकीमती है। इस अमल की खासियत बहुत सी हैं, लेकिन आज सिर्फ एक खासियत के बारे में ही बताने वाला हूँ। नक्श जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लाता रहूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। इतना करने के बाद आपको इस अमल की इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको खुद ब खुद इसकी इजाज़त मिल जाएगी। आपको नक्श इस तरह से बना लेना है। आपको नौखाने का एक बॉक्स बना लेना है। इस अमल को हाजतमंद को ही करना होगा, यानी कि जिसको इस अमल की ज़रूरत है उसी को ये अमल करना होगा। कोई दूसरा अगर इस अमल को करता है तो मोहब्बत ये अमल करने वाले के बस में होगी, इसलिए हाजतमंद ही ये अमल करे। इस अमल को किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन इस अमल को सूरज निकलने के वक्त ही करना है, यानी कि सुबह के वक्त इस नक्श को आपको रेड कलर के पेन से लिखना है, यानी लाल रंग के पेन से आपको ये नक्श लिखना है। आपको नक्श इस तरह से भर लेना है। आपको ये नक्श चाल से भरना है। आपको सबसे पहला खाना ये वाला भरना है, यहाँ पर आपको लिखना है रे। रे लिखने के बाद आपको दूसरा खाना ये वाला भरना है, यहाँ पर भी आपको रे लिख देना है। इसके बाद आपको तीसरा खाना ये वाला भरना है, यहाँ पर आपको मीम लिख देना है। इसके बाद आपको चौथा खाना ये वाला भरना है, यहाँ पर आपको नू लिख देना है। इसके बाद आपको पांचवा खाना ये वाला भरना है, यहाँ पर आपको लाम लिख देना है। इसके बाद आपको छठा खाना ये वाला भरना है, यहाँ पर आपको हे लिख देना है। इसके बाद आपको सातवां खाना ये वाला भरना है, यहाँ पर आपको रे लिख देना है। इसके बाद आपको आठवां खाना ये वाला भरना है, यहाँ पर आपको सीन लिख देना है। इसके बाद आपको आखिरी खाना नवा खाना ये वाला भरना है, यहाँ पर आपको हे लिख देना है। इस तरह से ये आपका नक्श मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पर महबूब का नाम या जिससे आपको मतलब हासिल करना है उसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर वो लड़की है तो बिनते लिख दें, अगर वो मर्द है तो बिन लिखने के बाद उसकी माँ का नाम यहाँ पर लिख दें। इस तरह से ये आपका नक्श मुकम्मल हो जाता है। नक्श लिखने के बाद इस नक्श को आपको तावे पर गर्म करना है, जिस पर आप रोटियाँ पकाते हैं, आपके घर में जिस पर रोटियाँ बनती हैं उस तावे को गर्म करते वक्त उस तावे पर आपको ये नक्श आपको गर्म करना है। गर्म करते वक्त आपको पढ़ना है हुब हुब हुम, सात मरतबा आपको पढ़ना है। और पढ़ते वक्त आपको महबूब का ख्याल अपने दिल में रखना है। सात मरतबा आप जब पढ़ लें, इसके बाद आपको नक्श को तावे से हटा लेना है। इस अमल को आपको तीन रोज लगातार करना है। दिन में आपको एक बार करना है, उसके बाद दूसरे दिन फिर उसी टाइम, फिर उसके बाद तीसरे दिन भी उसी टाइम आपको ये अमल करना है, यानी कि तावे पर तीनों दिन एक नक्श को ही गर्म करना है। इंशाल्लाह जायज मकसद में आप कामयाब हो जाएंगे। ये अमल सिर्फ जायज मकसद के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त के साथ।